नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बैटरी की मेंटेनेंस के बारे में जानेंगे, अर्थात जो हमारी ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो बैटरी प्रयोग की जाती है उसकी हम देखभाल कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जोर दबा दें, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी हमेशा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इंपॉर्टेंट वीडियो, मेंटेनेंस ऑफ बैटरी, अर्थात बैटरी की आप देखभाल कैसे रख सकते हैं। तो बैटरी जो मोटर गाड़ियों का एक महत्वपूर्ण भाग होती है, तथा बैटरी की मेंटेनेंस के लिए आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बैटरी को बाहर से हमेशा साफ़ रखना चाहिए, जिससे कि आपकी बैटरी जो लंबे समय तक काम करेगी, और बैटरी में जो किसी भी प्रकार की धूल मिट्टी व गंदगी से उसको बचा के रखना चाहिए हमारी बैटरी को, इसका भी आप से ध्यान रखें। तथा बैटरी की मेंटेनेंस के लिए आप जो बैटरी को महीने में एक बार तथा गर्मियों के दिनों में हफ्ते में एक बार जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है उसके लेवल को चेक करें। अगर इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम हो तो उसमें जो डिस्टिल वाटर डालें, इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। तथा बैटरी की मेंटेनेंस के लिए आप जो हमारे बैटरी के टर्मिनल होते हैं उन पर जब लीड कसते हैं तो उसके बाद उन लीड के ऊपर जो ग्रीस या फिर वैसलीन जरूर लगाएं। जब हमारे बैटरी के टर्मिनलों पर लीड कसते हैं और उसके बाद ग्रीस लगाते हैं या फिर वैसलीन लगाते हैं तो किसी भी प्रकार के टर्मिनलों पर जंग या फिर सल्फेशन नहीं लगती है और हमारे टर्मिनल जो अच्छे से काम करते हैं, इसका भी आप से ध्यान रखें। तथा बैटरी के मेंटेनेंस के लिए आप जो बैटरी का जो टॉप कवर होता है उसमें बेंट प्लग लग रहते हैं तो उनको भी आप हमेशा साफ़ करें और उनको अच्छे से टाइट करें, इसका भी आप से ध्यान रखें। तथा बैटरी के मेंटेनेंस के लिए आप जो बैटरी के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को महीने में एक बार जो नाप लेना चाहिए। अगर हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है तो समझ लें कि आपकी बैटरी जो डिस्चार्ज है और उसे जो पुनः चार्ज करवाने की ज़रूरत है, इसका भी आप से ध्यान रखें। तो इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो महीने में एक बार ज़रूर चेक करवा लें। उसके बाद बैटरी को सही ढंग से कसना चाहिए। अगर आपकी बैटरी जो ढीली होगी तो हिलने डुलने से बैटरी जो क्रैक हो सकती है, इसलिए बैटरी को सही प्रकार से कसना चाहिए। तथा बैटरी का जो अर्थ टर्मिनल होता है उसको चेसी के साथ सही प्रकार से अर्थ करना चाहिए। अगर आप जो बैटरी के अर्थ टर्मिनलों को चेसी के साथ अच्छे से अर्थ नहीं करेंगे तो स्पार्किंग की वजह से जो हमारी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, इसका भी आप से ध्यान रखें। इसके बाद बैटरी की मेंटेनेंस के लिए आप जो बैटरी को उतारते व लगाते समय सावधानी रखें। अगर आप जो बैटरी को उतारते व लगाते समय सावधानी नहीं रखेंगे तो उसके अंदर जो तेजाब भरा होता है उसके गिरने से आपके जलने का डर रहता है, इसका भी आप से ध्यान रखें। तो बैटरी को निकालते व लगाते समय सावधानी जरूर बरतें। इसके बाद बैटरी को लगाते समय जो हमारा अर्थ टर्मिनल होता है यानी कि अर्थ लीड होती है उसको बाद में लगाएं, यानी कि जब हमारी बैटरी लगाते हैं तो उसके समय जो अर्थ लीड जो आपको दिख रही है उसको बाद में लगाएं, तथा बैटरी को निकालते समय अर्थ लीड को पहले खोलें, इसका भी आप से ध्यान रखें। तथा हमारी जो बैटरी होती है उस पर जो किसी भी प्रकार के औजारों को नहीं रखना चाहिए। अगर आप जो बैटरी के ऊपर औजार रखेंगे तो बैटरी के स्पार्क होने का डर रहता है, इसका भी आप से ध्यान रखें। तथा जो हमारी बैटरी होती है उसकी पूरी सतह को सिंपल पानी से ना धोएं, यानी कि जो हमारी बैटरी होती है उसमें जो किसी भी प्रकार के साधारण पानी ना डालें, जिससे हमारी बैटरी जो ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह आप जो हमारी बैटरी का ध्यान रख सकते हैं। अगर आप जो इस तरह जो आपको दिए गए हमने पॉइंट है इनका ध्यान रखेंगे तो आपकी बैटरी जो लंबे समय तक काम करेगी, इसका आप से ध्यान रखें। तो ये थी हमारी वीडियो आज की बैटरी की मेंटेनेंस से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।